Hello everyone, welcome to your own education channel that is Topper Stop. First of all, happy Republic Day to all of you. आज हम अपने इस वीडियो में जून रिलेटेड जून का जो करंट अफेयर था दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड उसे हम डिस्कस करेंगे. देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं फुल ईयर की भी एक वीडियो बना सकती थी बट वो बहुत लंबी हो जाती अगर हम क्योंकि साइंस एंड टेक में बहुत सारा करंट अफेयर है तो इस वजह से हम एक बार इस वीडियो में एक मंथ का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद जो है हम टू मंथ्स का एक साथ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपर लूप टेक्नोलॉजी. तो ये देखिए जो आपके सामने है ये क्या है, एक हाइपर लूप ही है जिस पे ऊपर हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा बना हुआ है. तो हम आगे देखते हैं कि न्यूज़ में है क्या. देखिए जो हाइपर लूप है, रिचर्ड ब्रेंसन्स वर्जिन हाइपर लूप जिन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कि हाइपर लूप क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो किसके बीच ट्रैवल करेगा, मुंबई और पुणे के बीच में. अभी तक देखिए जो मुंबई और पुणे के बीच का टाइम होता था वो 3 घंटे का होता था बट इस हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इस टाइम को घटा के 25 मिनट्स तक ला सकते हैं. तो हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है क्या एक्चुअली. देखिए जो हाइपर लूप होता है वो एक पोर्ट लाइक व्हीकल होता है. पोर्ट क्या होता है कि एक छोटा सा आप बॉक्स टाइप समझेंगे उसको. इस प्रोपेल थ्रू अ नियर वैक्यूम ट्यूब और एक ट्यूब बनाई जाती है जिसके अंदर से वो पोर्ट जो है मूव करता है दो सिटीज के बीच में. और ये जो पोर्ट होता है इसकी जो स्पीड होती है वो एयरक्राफ्ट के इक्वल होती है. तो अगर इतनी हाई स्पीड से विदाउट एनी ट्रैफिक कोई चीज़ मूव करती है तो ऑब्वियस है कि वो 3 आवर्स से 25 मिनट्स पे ट्रैवल टाइम को डिक्रीज कर देगी. देखिए जो हाइपरलूप कंसेप्ट था, पहली बात तो वो किस कंपनी ने किया है, जो वर्जिन ग्रुप है उसने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया है. और जो हाइपरलूप कंसेप्ट था वो ब्रेन चाइल्ड था टेस्ला फाउंडर एलोन मस्क का. तो आपको भी ये नाम भी याद रखना है, ये आपकी स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है. हाइपरलूप सिस्टम जो है वो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिससे कि पैसेंजर इवन और फ्रेट क्या होता है, जो कि आपका सामान होता है, तो पैसेंजर और जो सामान है दोनों का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है एक सिटी से दूसरी सिटी में. नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट QRSM मिसाइल जो कि DRDO ने एस्टेब्लिश की है. देखिए QRSM जो मिसाइल है उसकी पहले फुल फॉर्म हम देखते हैं, इट इज़ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल. और ये कहाँ से टेक ऑफ किया था, ये चांदीपुर ऑफ उड़ीसा कोस्ट जो है वहाँ से लॉन्च हुई है. तो ये किसने आप एस्टेब्लिश किया है, ये DRDO ने टेस्ट किया है और ये इंडिजीनियसली डेवलप मिसाइल है. इंडिजीनियसली डेवलप का क्या मतलब है कि इंडिया के अंडर की गई है. तो ये आप मिसाइल देखेंगे इस फोटो में. देखिए इस मिसाइल का जो है मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, द मिसाइल वॉज फ्लाइट टेस्टेड विद फुल कॉन्फिग्रेशन इन डिप्लॉयमेंट मोड इंटरसेप्टिंग द टारगेट मिड एयर मीटिंग द मिशन ऑब्जेक्टिव. देखिए अगर कोई टारगेट जो है वो मिड एयर में प्रेजेंट है तो ये जो मिसाइल है ये उसको भी स्ट्राइक करती है. तो ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत यूजफुल आगे हो सकती है. नेक्स्ट इज QRSM को अगर हम देखते हैं कि इसने किस मिसाइल की जगह ली है, तो जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम था अभी तक इंडिया के पास उसको इसने रिप्लेस किया है. और जो QRSM मिसाइल है ये मेनली सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट को यूज़ करती है और इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो 25 to 30 किलोमीटर है. और ये जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेनली उसको हिट करने के काम आती है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके याद रखने हैं. नेक्स्ट इज इंडियाज डीप ओशन मिशन. देखिए इंडियाज का जो डीप ओशन मिशन है वो इस अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है. और इसमें क्या होगा कि जो ओशन फ्लोर पे डीप मिनरल्स मिलते हैं ये उनको एक्सप्लोर करेगा और जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है उन सबको एक्सट्रैक्ट करेगा. तो ये उस मिशन जो शिप यूज होगा उसका ही फोटो है एक. देखिए ये होता कैसे है, ये जो है शिप है ऊपर जो आपके ओशन के सरफेस के ऊपर रहेगी और यहाँ पे राइजर पाइप के थ्रू ये नीचे जाके सी फ्लोर कलेक्टर होगा. और सी फ्लोर कलेक्टर जो है यहाँ से क्या करेंगे, मिनरल्स को कलेक्ट करेंगे और वापस जो स्टोर रूम होगा शिप के पास वहाँ जाके उसे कलेक्ट कर देंगे. देखिए अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ्स पे है ये कि डीप सी माइनिंग जो होता है वो कैसा प्रोसेस है कि जो मिनरल डिपॉजिट प्रेजेंट है ओशन फ्लोर पे जो कि और ओशन
का जो लेवल है कितना नीचे होना चाहिए, 200 मीटर बिलो होना चाहिए सी सरफेस से। वहाँ पे जो जो मिनरल्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे जाके माइनिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो ये सारा डायग्राम के थ्रू आपको समझ आए कि शिप से हम कैसे पाइप्स को राइज करके मिनरल नीचे से कलेक्ट करते हैं। देखिए ये जो मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने डेवलप किया है, जिसमें कि ₹8,000 करोड़ का फंड दिया गया है और इसको डीप ओशन मिशन कहा गया है, जो कि इंडिया की जो सी एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज़ है उनको और एनहांस कर देगा। देखिए इसे रेगुलेट कौन करता है, द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी डेट इज़ ISA एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1982 में एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो कि क्या करती है कि डीप सी माइनिंग के लिए कुछ एरिया अलॉट करती है किसी कंट्री को। इसके बाद एक फैक्ट आता है जो आपको याद रखना है कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द स्टेटस ऑफ अ पायोनियर इन्वेस्टर। देखिए जो इंडिया था वो ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने कि सी बेड माइनिंग में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे 1987 में, और इंडिया को 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिला था कहाँ पे, सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में। तो आपको ये याद रखना है कि किस जगह मिला था, कब फंडिंग हुई थी, 1987 में हुई थी, और इसको रेगुलेट कौन करता है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी करती है, और ये किसके अंडर मिला था, डेट इज़ UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इन 2002 इंडिया साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ISA एंड आफ्टर कंप्लीट रिसोर्स एनालिसिस ऑफ द सी बेड 50% वो सरेंडर एंड द कंट्री रिटेन एन एरिया ऑफ 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या हुआ था कि 2002 में ISA के साथ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया रिसोर्स एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितनी एरिया मिला था, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो जो एनालिसिस हुआ उसके बाद जो है उस एरिया को 50% कट कर दिया गया और इंडिया को 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिला। नेक्स्ट इज कि ये देखा जाता है कि कौन सी और कंट्रीज़ हैं जिनको ये एरिया मिला है या फिर जो माइन कर सकते हैं डीप सी में। तो अपार्ट फ्रॉम CIOB के अगेंस्ट जो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन है, उसके अलावा कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री में डीप सी माइनिंग हो सकती है। तो जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है वो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में भी हमें मिलते हैं, पर यहाँ पे जो CIOB कहा गया है वहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, क्लैरियन किपरटन जोन। तो आपको ये जोन का नाम याद रखना है कि ये पैसिफिक ओशन में है और यहाँ पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो होते हैं, देखिए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, या फिर आप टिटेनियम हो गया, ये ऐसे सारे जो मिनरल्स हैं उनके जो नोड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, लाइक आप कह सकते हैं कि गोले टाइप, जैसे हमारी टैबलेट्स होती हैं वैसे छोटे छोटे नोड्यूल्स मिलते हैं डीप सी में, जो कि आगे माइनिंग में हेल्प करते हैं और हमें एक मिनरल रिसोर्स रिच कंट्री बनाते हैं। नेक्स्ट इज विक्रम साराभाई को हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक अवार्ड दिया गया है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है विद रिस्पेक्ट दैट अवार्ड। तो हम देखते हैं कि कौन सा अवार्ड है, दैट इज़ विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। देखिए जो एलिजिबल कौन होता है इस अवार्ड के लिए, तो नॉमिनेशंस जो होते हैं वो हर इंडियन के लिए होते हैं जिनका जर्नलिज्म में एक गुड एक्सपीरियंस होता है, और ये अवार्ड उन सिटीजन्स को दिया जाता है जो कि एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं स्पेस साइंस एप्लीकेशन एंड रिसर्च के फील्ड में और जो जर्नलिज्म से रिलेटेड होते हैं। अबाउट विक्रम साराभाई एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये पूरा का पूरे जो फैक्ट्स अभी आपके सामने आए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपसे PCS में पूछा जा सकता है, UPSC EPFO में भी पूछा जा सकता है कि जो पर्सनैलिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विक्रम साराभाई जो थे वो 12 अगस्त 1919 को बोर्न हुए और वो इंडियाज़ का जो फ्यूचर एक बना था एस्ट्रोनॉमी में वो इन्होंने ही सेटअप किया था। तो उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं इंडिया के लिए क्या था, बेस्ड ऑन हिज परकर्शन द इंडियन गवर्नमेंट एग्री टू सेटअप द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इन 1962। तो उनके कहने पे ही इंडियन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च एस्टेब्लिश की थी 1962 में, और ये जो कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी साराभाई जो थे वो इसके फर्स्ट चेयरमैन भी थे। देखिए जो ये
INCOSPAR है, इसको ही आगे रीनेम किया गया था इसरो में, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में। तो 1962 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसरो को पहले क्या बोला जाता था, रीनेम किया गया ना इसरो तो, और कब किया गया था, 1969 में। और ये देखिए कि जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है अहमदाबाद में, इन्होंने वो एस्टेब्लिश की 1947 में, और इन्होंने थुम्बा जो तिरुवनंतपुरम केरला में एक साइट है वहाँ पे फर्स्ट रॉकेट लॉन्च साइट बनाई इन्होंने, इंडिया की ये फर्स्ट रॉकेट लॉन्च साइट थी। उसके बाद जो विक्रम साराभाई थे उन्होंने जो केबल टेलीविजन इंडिया को दिया था वो यही लेके आए थे, और इनका एक नासा के साथ कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट रहता था, जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट किसका हुआ, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट का 1975 में। जो आर्यभट्ट फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च हुई थी इंडिया से, वो भी साराभाई का ही आइडिया थी। और जो IMA अहमदाबाद है उनके फाउंडिंग मेंबर्स में भी विक्रम साराभाई का रोल रहा था। विक्रम साराभाई जो थे उन्हें 1966 में पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया, और 1972 में उनकी डेथ के बाद उन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया था। तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, आपको इनके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इज ICAT। ICAT इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, जो कि मानेसर हरियाणा गुरुग्राम में है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, जो ICAT है वो एक वर्ल्ड क्लास ऑटोमोटिव टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। ये थर्ड इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉन्क्लेव है जो कहाँ पे हेल्ड हुआ था अभी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मानेसर गुरुग्राम में। तो ये देखिए इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। और यहाँ पे हुआ क्या है कि इट हेल्प टू क्रिएट आ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म टू एंश्योर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एट ऑल लेवल्स इन ऑटोमोटिव सेक्टर। तो ऑटोमोटिव सेक्टर में जितनी भी इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी सेंटर की कि उस नॉलेज को शेयर किया जा सके, ताकि हर कोई कंट्री या फिर हर कोई जो एरिया है ऑटोमोटिव से रिलेटेड वो डेवलप हो सके, उसको बेनिफिट मिल सके। तो ये जो कॉन्क्लेव हुआ था थर्ड इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉन्क्लेव टेस्टिंग सेंटर पे, वो यही काम करता है। तो अगर हम ICAT मानेसर की बात करते हैं तो ये जो है ये एक डिवीज़न है नेट ट्रिप इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी की, दैट इज़ नेट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो आपको एक ये याद रखना है कि ये जो सेंटर ये किसके अंडर आता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर आता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये ऑटोमोटिव व्हीकल्स जो होते हैं उनकी टेस्टिंग करता है, वैलिडेशन करता है, डिज़ाइन को कन्फर्म करता है, और जितनी भी कैटेगरीज होती है उनका होमोलोगेशन करता है। तो आपको ये सारे फंक्शंस से नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये हुआ कहाँ पे था। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दैट इज नेटिव, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया। देखिए इसका जो प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है कि जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उसमें ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज बनाना, कि एक देखिए कॉम्पिटिशन जब होगा कि कौन जो है वो फ्यूल कम लगा रहा है, कौन जो है बेटर वो कर रहा है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो उस टाइम क्या होगा कि जो फ्यूल कंजप्शन है जैसे पेट्रोलियम है वो यूज़ होता है, तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होएगी, और जो हमारी रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो एक सस्टेनेबल मैनर में रहेगी। तो ये इसका मेन एम है कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जाए ऑटोमोटिव सेक्टर में। नेक्स्ट इज माइकल फैराडे एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए ऑन अगस्त 29, 1831 में ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे जो थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था। अगर ये न्यूज़ में है तो डायरेक्टली आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है आपके PCS एग्जाम्स में, तो आपको ये दिमाग में रखना है अच्छे से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किसने डिस्कवर किया था, माइकल फैराडे ने। ये डिस्कवरी जो हुई थी इसके
इसके साथ ही मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उससे क्या क्या एप्लीकेशंस जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम यूज़ करते हैं वो रिलेटेड है। तो जो हम इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ होता है, इंडक्टर्स का, जनरेटर्स का जो यूज़ होता है, वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ही डिस्कवर बेंजीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोलिसिस एंड द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म ऑन लाइट। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सभी किन्होंने डिस्कवर किए थे? माइकल फैराडे ने। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट इज एंटी सैटेलाइट वेपन, डेट इज एसेट। तो ये आप देख लीजिए इसको पहले कि ये क्या है। ये एक मिसाइल है, रॉकेट है, जो कि एंटी सैटेलाइट वेपन कहा गया। देखिए एंटी सैटेलाइट वेपन अगर कहा गया है, सैटेलाइट के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो किस लिए हो रही है? उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हो रही है। तो अगर कोई सैटेलाइट स्पेस में प्रेजेंट है तो हम उसे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हैं? तो आगे हम करंट अफेयर में देखते हैं इस चीज़ को। देखिए इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ को और उसको 4 मंथ्स हो गए हैं। बट एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि जो डेब्रिस किया, मतलब कि एंटी सैटेलाइट मिशन जब लॉन्च हुआ तो क्या किया गया कि जो सैटेलाइट जिसका काम ख़त्म हो चुका था स्पेस में, तो एंटी सैटेलाइट जो कैपेबिलिटी थी इंडिया की, जो मिसाइल थी, उसने क्या किया, उसको वहां जाके डिस्ट्रॉय कर दिया सैटेलाइट को जो कि अब काम की नहीं रही थी। तो इंडिया ने कहा कि उस सैटेलाइट के डिके के बाद जो उसका डेब्रिस है वो 45 डेज बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा स्पेस से। बट उस एक्टिविटी को 4 मंथ्स हो चुके हैं और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 40% जो डेब्रिस है वो अभी भी डिके नहीं हुआ है जो आपकी सैटेलाइट आपने डिस्ट्रॉय की थी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मिशन शक्ति क्या है जो कि इस मिशन, मतलब कि ये जो मिशन वेपन लॉन्च किया गया है एंटी सैटेलाइट वेपन, उसके जो मिशन लॉन्च हुआ था उसको हमने मिशन शक्ति नाम दिया था। तो मिशन शक्ति क्या है? एक जॉइंट प्रोग्राम है DRDO का और इसरो का, जिसमें क्या हुआ था कि एक एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च हुई थी जिसने एक इंडियन सैटेलाइट को टारगेट किया था जो कि हमें डीकमीशन करनी थी, मतलब कि डिस्ट्रॉय करनी थी। देखिए इसके बाद एक फैक्ट निकल के आता है। एक तो आपको मिशन शक्ति याद रखना है कि किस किसने लॉन्च किया था, दूसरा उसके अंदर हुआ क्या था। सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया इज़ द ओनली 4th कंट्री टू एक्वायर सच अ स्पेशलाइज्ड एंड मॉडर्न कैपेबिलिटी, कि US, रशिया और चाइना के बाद सिर्फ इंडिया के पास एक ऐसी स्पेशलाइज टेक्निक आई है जिससे कि वो किसी सैटेलाइट को वहाँ पे ख़त्म कर सकती है, कि मतलब एक जो लाइव टारगेट है स्पेस में उसको ख़त्म किया जा सकता है। देखिए ये जो है ये डिफेंस रिलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई हम पे अटैक करने वाला है, कोई सैटेलाइट है या फिर कोई मिसाइल है, वो हमारे अगेंस्ट लॉन्च हुई है, तो अब इंडिया इतना कैपेबल है कि अगर हमारे अगेंस्ट कोई मिसाइल लॉन्च होएगी, हमारे ऊपर अटैक करने वाली है, तो हम उसको स्पेस में ही जाके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि वो हमारे टेरिटोरियल एरिया तक आके कोई भी डिस्ट्रक्शन कॉज ना कर सके। तो ये देखिए ये एक सैटेलाइट है, ये जो बड़े वाला है ये सैटेलाइट है, और ये जो है ये देखिए ये रॉकेट है और ये क्या है, सैटेलाइट है। तो ये रॉकेट क्या कर रहा है, ये जो एंटी सैटेलाइट वेपन है ये इसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए अब यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो इमेज में आपसे दिखाया गया। अब देखिए कि स्पेस डेब्रिस क्या होता है। देखिए अब आप सिंपल सी चीज़ देखेंगे कि कितनी सारी कंट्रीज़ हैं और कंट्रीज़ जो हैं सभी अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है, कोई ना कोई स्पेस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जब कोई भी सैटेलाइट जो होती है, कोई रॉकेट भेजा गया है, कोई स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उनका डीफंक्शनिंग हो जाएगी। तो जब वो डीफंक्शनिंग हो जाती है उनकी, तो वो स्पेस में एक डेब्रिस की तरह रह जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। तो अब कोई चीज़ जो है, अगर आप मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वहाँ रास्ते में पत्थर पड़े हैं, कूड़ा पड़ा है, डेब्रिस पड़ा है और अजीब अजीब सी चीज़ें पड़ी हैं, तो ये हो सकता है कि आप चाहे कितना बच के जाने की कोशिश करें, किसी ना किसी पत्थर से आपका पैर लग जाए, किसी डेब्रिस में पैर लग के आपके पैर गंदे हो जाए। तो यही जो है ये वरी का रीज़न है। यहाँ पे आप देखिए कि मान लीजिए कि आपने एक यहाँ पे रॉकेट भेजा और पहले से ही अर्थ के सराउंडिंग में इतना सारा डेब्रिस है, तो ये हो सकता है ना कि रॉकेट अगर बचता हुआ भी जा रहा है तो भी वो किसी भी ऐसे डेब्रिस से
कोलाइड हो सकता है, मतलब कि स्ट्राइक हो सकता है। तो अगर वो रॉकेट इसके साथ स्ट्राइक होगा तो वो रॉकेट तो तभी की तभी डीफंक्शन हो जाएगा, मतलब ख़राब हो गया पूरा का पूरा रिसर्च वर्क जो होना था। तो इस वजह से स्पेस डेब्रिस जो है वो बहुत ही कंसर्न की सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो इंसान जो है वो सिर्फ अर्थ पे गंदगी नहीं फैला रहा है, उसने अब स्पेस में भी इस तरीके से डेब्रिस फैलाना शुरू कर दिया है, जो कि आगे रिसर्च वर्क जो है उनके लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट इज स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर इन बेंगलुरु। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था स्पेस डेब्रिस की जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो ये जो सेंटर बनाया जा रहा है ये जो है जो स्पेस एसेट हाई वैल्यूड के, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपने मंगलयान मूवी देखी होगी तो देखा होगा आपने कि फंडिंग की कितनी प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट से फंड लेने के लिए किसी भी मिशन को या किसी भी रिसर्च को लाने के लिए। तो जो वैल्यूएबल स्पेस एसेट है वो स्पेस डेब्रिस के से कोलाइड होके ख़राब ना हो जाए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा बेंगलुरु में, ताकि कोई भी अगर लॉन्च हो रहा है मिशन तो उसको केयरफुली एक अवेयर मैनर में लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट इज इंटरप्लेनेटरी पोल्यूशन। देखिए, यहाँ पे भी स्पेस डेब्रिस की बात की गई है थोड़ी बहुत, बट मेनली क्या होता है कि अगर कोई भी रिसर्च वर्क होता है तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने ये देखना है कि और प्लैनेट्स हैं, मून है, क्या वहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो हम क्या करते हैं कि अर्थ से हम कुछ ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी चीज़ को क्या करते हैं उस प्लैनेट पे या मून पे भेजते हैं, ये चेक करने के लिए क्या उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो अर्थ के ऑर्गेनिज्म हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह जाते हैं हम उसको इंटरप्लेनेटरी पोल्यूशन कहते हैं, मतलब कि इंटर का क्या मतलब होता है, दो प्लैनेट्स के बीच में। तो एक प्लैनेट से जब दूसरे प्लैनेट पे पोल्यूशन भेजा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम उसको इंटरप्लेनेटरी पोल्यूशन कहेंगे। तो अप्रैल 11 में इजरायली स्पेसक्राफ्ट बैरेशिट जो थी उसने मून पे लैंड करने की कोशिश करी, बट वो जो था क्रैश हो गया सरफेस पे, बट जो बैरेशिट था स्पेसक्राफ्ट उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीमैन थी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसका नाम था टेडीग्रेड। टेडीग्रेड जो है वो क्या है, एक तरीके का वाटर बियर है। तो इससे क्वेश्चन क्या अराइज हुए कि पहली बात तो कि जो क्रैश हुआ बैरेशिट का, उसके बाद जो डिहाइड्रेटेड टेडीग्रेड्स थे क्या वो सर्वाइव करे होंगे, और अगर वो सर्वाइव करे हैं तो वो मून पे अभी कैसे जी रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेडीग्रेड्स होता क्या है। द टेडीग्रेड्स आर ऑल्सो नोन एज वाटर बियर, इट इज़ अमंग द टफेस्ट एंड मोस्ट रेजिलियंट क्रिएचर ऑन अर्थ। और ये जो टेडीग्रेड्स होते हैं ये इतने टाइनी होते हैं कि हम इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो ये आप देखें, ये क्या है, टेडीग्रेड्स हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, रेजिलिएंट होते हैं कि जो गामा रेडिएशंस होती हैं ये उनके अगेंस्ट भी रह सकते हैं। अगर किसी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं है उनके अगेंस्ट भी ये रह सकते हैं, मतलब एनारोबिक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और जो सोलर विंड्स होते हैं, मतलब कि जो हीट रेडिएशंस होती हैं सन की जो बहुत तेज हॉटेस्ट होती हैं, ये उस इंटेंस ब्लास्ट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये 10 साल के लिए बिना खाने और पीने के रह सकते हैं। इस वजह से ही जो टेडीग्रेड थे उनको सिलेक्ट किया गया था इस मिशन के लिए। तो आपको टेडीग्रेड याद रखना है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है और ये सारी सिचुएशंस भी पूछी जा सकती है जिनके अगेंस्ट ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखिए, जो टेडीग्रेड है वो हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर लेवल में रह सकते हैं, और इनका क्या तरीका होता है कि मैंने डिस्कस किया कि ये बिना पानी के रह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि अब इनकी बॉडी के अंदर जो पानी स्टोर होता है ये उसको ही एक्सपेल आउट करना शुरू कर देते हैं अपने सेल्स को बचाने के लिए, क्योंकि ये मेनली क्या होते हैं, रिहाइड्रेटेड कंडीशन में रहते हैं। और जब पानी को ये अपने शरीर से बाहर निकाल देंगे और उस रिहाइड्रेटेड कंडीशन में रहेंगे तो ये कम बैक टू लाइफ, तो ये लाइफ में वापस आ जाते हैं। और टेडीग्रेड टिपिकली ईट्स फ्लूड, और ये मेरे फ्लूड को ही लेते हैं अपने माउथ और क्लोज से, और इसमें क्या होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको सक करते हैं, मतलब कि खाते नहीं हैं, इनके कोई टीथ वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, सकिंग के थ्रू ये सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं।
नेक्स्ट इज पार्कर सोलर प्रोब। देखिए नासा जो है उसने पार्कर सोलर प्रोब बनाया था एक साल पहले, जिसकी एक साल की सर्विस जो है वो कंप्लीट हो गई है। और ये नासा का उस पार्ट का मिशन है जिसमें कि लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम जिसे कहा गया था, जिसमें क्या देखा जाएगा कि जो सन और अर्थ का सिस्टम है उसको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से एक्सप्लोर किया जाएगा। देखिए ये जो है ऐसा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि सन के, मतलब पहला ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सन के इतने करीब गया है, मतलब क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट गया है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए प्रोबिंग क्या होती है, किसी चीज़ की डिटेक्टिंग करना, ये मेडिकल टर्म है एक, प्रोब करना मतलब कि डिटेक्ट करना किसी चीज़ को। तो सोलर प्रोब है मतलब कि सन को प्रोब करने के लिए गया है, डिटेक्ट करने गया है उसकी एक्टिविटीज़ को। तो आपको ये याद रखना है कि एक साल कोई आपसे नहीं पूछेगा, बट ये पूछ जा सकता है कि ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो इसका गोल क्या है, द प्राइमरी साइंस गोल्स फॉर द मिशन आर टू ट्रेस हाउ एनर्जी एंड हीट मूव थ्रू द सोलर कोरोना एंड टू एक्सप्लोर व्हाट एक्सेलरेट्स द सोलर विंड एज वेल एज सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। तो इस मिशन का क्या देख पार्ट है कि एनर्जी और जो हीट है वो कैसे मूव कर रही है सोलर कोरोना से। देखिए सोलर कोरोना क्या होता है, अगर आप सन को देखेंगे तो सन का एक आउटर सरफेस होता है, बट जो इनर कोर होती है उसको हम सन की सोलर कोरोना कहते हैं। तो वहाँ से सोलर विंड आ कैसे रही है और जो सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स है वो बाहर कैसे मूव हो रहे हैं, ये सारा जो है सोलर प्रोब के थ्रू ही डिटेक्ट होगा। अब पूछा जा रहा है कि मेनली स्टडी कोरोना को ही क्यों करना है, क्योंकि कोरोना जो है वो सन के सरफेस से कई गुना ज़्यादा हॉटर है, जो कि सोलर विंड्स को वो करती है, प्रोड्यूस करती है। जो कि देखिए सोलर विंड क्या होती है, ये एक कॉन्टीन्यूस फ्लो है चार्ज पार्टिकल्स का जो सोलर सिस्टम से परमिएट करके सभी प्लैनेट्स के पास जाती है, जितना भी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ जाती है स्पेस में। तो अनप्रिडिक्टेबल सोलर विंड्स जो हैं, अगर मान लीजिए कि एक नॉर्मल कंडीशन चल रही है और एकदम से अनप्रिडिक्टेबल सोलर विंड्स आ गई, तो वो क्या करती है कि हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनको डिस्टर्ब करती है। और हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं वही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को चला रही है अर्थ के ऊपर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो गई तो जो डे टू डे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है अर्थ की वो भी अफेक्ट होगी। तो नासा जो है वो इस प्रोब की हेल्प से ये देखना चाह रहा है कि आगे अगर ऐसी कोई सोलर विंड आने वाली है कोरोना को स्टडी करके, तो हम पहले ही फोरकास्ट कर सके कि अर्थ के स्पेस एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है, ताकि मेजर्स जो हैं प्रिवेंशन के वो लिए जा सकें। तो ये देखिए ये पार्कर सोलर प्रोब है और ये सन है जो कि इस डिटेक्ट करने जा रहा है। अगर इसके डायमेंशंस और वेट तो आपसे नहीं पूछेगा कोई, पर फिर भी हम एक एस्पेक्ट देख लेते हैं, डेट इज़ सोलर फ्लेयर। ये देखिए ये सन है और आप देखेंगे कि सन से ऐसे डैश डैश करके लाइंस निकल रही है। तो अगर आप इसमें फर्स्ट स्टेप को देखेंगे तो अ सोलर फ्लेयर इज द इजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन एंड इज क्रिएटेड व्हेन इट्स रोटेशन ओवरकम द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सोलर फ्लेयर क्या होती है, चार्ज पार्टिकल्स का एक इजेक्शन होती है सन से, और वो कब होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड्स जो है उसकी स्ट्रेंथ रोटेशन की वो उससे भर जाती है। सेकेंड में भी क्या हो रहा है कि आयन चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड पे निकल रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड क्या है कि जो लाइट है उससे भी, जो लाइट की स्पीड है उससे हाफ स्पीड पे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी हाई स्पीड पे निकल रहे हैं यहाँ पे। थर्ड में जो है, रेस फ्रॉम द सन स्वैम्प ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम एंड डाउज डैम इन पोटेंशियली फेटल रेडिएशन। तो सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो उन सबको जाके इफेक्ट करेगी, और जो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है फोर्थ स्टेप में उनको आके डिस्टर्ब कर देगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। और स्ट्रोंगर इवेंट्स होंगे अर्थ पे, जैसे कि GPS है हमारा या फिर सैटेलाइट रिलायंस सर्विसेज है, वो सभी अफेक्ट हो जाएंगी यहाँ पे। तो सोलर फ्लेयर का आपको आई होप आपको इस डायग्राम से ये सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन, कि MMS जो है नासा का ये मिशन है, और ये जो क्या करता है, देख ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि हाउ द सन्स एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट, कि सन की और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे
कनेक्ट होती है और वो कैसे डिसकनेक्ट होती है, और जो एनर्जी है वो एक्सप्लोसिवली कैसे ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे में, और इसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक रीकनेक्शन। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का कनेक्शन होता है दोबारा टूटने के बाद, हम उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रीकनेक्शन। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बाय ऑब्जर्विंग मैग्नेटिक रीकनेक्शन इन नेचर MMS प्रोवाइड एक्सेस टू प्रिडिक्टिव नॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सल प्रोसेस दैट इज़ द फाइनल गवर्नर ऑफ स्पेस वेदर। तो इससे हम क्या क्या देख सकते हैं, स्पेस वेदर को देख सकते हैं, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को चेक कर सकते हैं, GPS नेविगेशन है, इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स है, उन सब का प्रोसेस जो है उसके ऊपर एक नज़र रख सकते हैं कि वो अर्थ के कनेक्शन और डिसकनेक्शन से अफेक्ट ना हो। तो ये MMS है, यहाँ पे ये मिशंस के लिए स्पेसेस है जो कि इस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज फेडोर। देखिए रशिया जो है उन्होंने एक अनमैन्ड रॉकेट लॉन्च किया है स्पेस में जिसका नाम है फेडोर। इट इज़ कैरिंग अ लाइफ साइज ह्यूमनॉइड रोबोट दैट विल स्पेंड 10 डेज लर्निंग टू असिस्ट एस्ट्रोनॉट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये क्या है, फेडोर क्या है, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च। और जो रोबोट है उसका नाम क्या दिया गया है, स्काईबोट F850। इस रोबोट का मेन पर्पस ये है कि जो दैट आर द रोबोट्स मेन पर्पस इज टू बी यूज्ड इन द ऑपरेशन दैट आर स्पेशली डेंजरस फॉर ह्यूमंस ऑन बोर्ड स्पेसक्राफ्ट इन आउटर स्पेस। तो एक ऐसे मिशन स्पेसक्राफ्ट या आउटर स्पेस की ऐसी लोकेशन जो ह्यूमन के लिए डेंजरस है, वो ये रोबोट का मेन पर्पस है, वहाँ जाके एक्सप्लोरेशंस करना। तो फेडोर हु इज़ द साइज एंड अडल्ट कैन एम्यूलेट मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज़ अपेरेंटली एम्ब्रेस्ड हिज मिशन डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज एन असिस्टेंट टू ISS क्रू। तो जो ISS क्रू है, ISS वो वाला नहीं, टेररिस्ट वाला नहीं, दैट इज़ अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ISS है उसको असिस्ट करेगा ये ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट के साथ। देखिए वहाँ पे जाके ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट की ज़रूरत क्या पड़ती है, कि अगर ह्यूमन वहाँ उस इन्वायरमेंट में जाके रह रहा है तो क्या वो अपनी बॉडी मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट्स के बाद ही ह्यूमन जो है किसी चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है। तो वो सिचुएशन जो है वो सर्वाइविंग सिचुएशन है या नहीं ह्यूमन की, ये वहाँ जाके इसे डिटेक्ट करना है। अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं तो जो फेडोर है वो ऐसा फर्स्ट रोबोट नहीं है जो कि स्पेस में जा रहा है। 2011 में नासा ने रोबोनेट 2 जो है ह्यूमनॉइड रोबोट था उसको भी हाई रिस्क एनवायरनमेंट में भेजा था, और 2013 में जापान ने एक स्मॉल रोबोट क्रैबो को भेजा था जापनी स्पेस कमांडर के साथ स्पेस में। तो ये जो है ये है फेडोर, और ये आप देखिए कि यहाँ पे हैंडशेक कर रहा है ये ह्यूमन के साथ, मतलब कि ये ह्यूमन एक्टिविटी मूवमेंट को यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट इज़ ग्रेविटेशनल लेंसिंग। देखिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जो कि एक रिसर्च प्लान है, और वो ये देखने के लिए जाता है कि जो न्यू स्टार्स है वो बोर्न हो कैसे रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ अ नेचुरल फिनोमिनन कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग, एक नेचुरल फिनोमिनन से जिसका नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो यहाँ पे हम समझे कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती क्या है। पहली बात तो ये देखिए कि जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है वो हमें पता कैसे चल रही थी, जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी जनरल रिलेटिविटी की, उससे हमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में पता चला था। देखिए इसको आप अगर हम सिंपल सी भाषा में देखेंगे तो इसका मतलब होता है मास बैंड लाइट। अगर लाइट ट्रेवल कर रही है सन से अर्थ की तरफ, उस लाइट रे के बीच में कोई सामान रखा जाता है, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो वो लाइट रे अर्थ पे आने की जगह क्या होती है, बेंड हो जाती है दूसरी जगह। ये सिंपल ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब है। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मैसिव ऑब्जेक्ट विल एक्सटेंड फार इन टू स्पेस एंड कोज लाइट रेज पासिंग क्लोज टू दैट ऑब्जेक्ट टू द बेंड एंड रीफोकस समवेयर एल्स। तो ये देखिए कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में आ रहा है स्पेस से, तो जो लाइट होगी वो उससे पास करेगी और बेंट हो जाएगी कहीं और,
जो कि मतलब उसकी लोकेशन नहीं होती है, जो उसका वे नहीं होगा। जितना ऑब्जेक्ट मैसिव होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और उतना ही जो लाइट रेज हैं वो बैंड होंगी। तो आपको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। व्हाट इज़ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज़ ऑल्सो नोन एज वेब और ZWST। ये लार्ज स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो कि इंफ्रारेड वेवलेंथ को ऑप्टिमाइज करके डिस्कवरीज करती हैं और जो डिस्कवरीज होती हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करती है हबल स्पेस टेलीस्कोप से। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे गैलेक्सी है। गैलेक्सी से क्या हो रहा है, यहाँ पे रेज आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दो ऑरेंज कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं और ये गैलेक्सी है। गैलेक्सी से ये वाइट कलर की लाइट्स आ रही हैं, बट जैसे ही जो ये वाइट लाइट है ये इन ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक हो गई, तो ये सारे जो हैं इनका जो वे है वो देखिए यहाँ पे ये फैल रही हैं, बट यहाँ पे क्या हो गई, ये क्लोज आ गई। तो ये डिस्टोर्टेड लाइट रेज है जो अर्थ पे नहीं आनी थी, ये कहीं और जानी थी स्पेस में, बट ये कहाँ पर आ गई हैं, अर्थ पर आ गई हैं, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट्स से स्ट्राइक हुई और ग्रेविटेशनल फील्ड जो थी इनकी, इन्होंने इनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरी जगह भेज दिया। तो ये इसकी इमेज है। नेक्स्ट इज फलक। देखिए ईरान जो है उसने एक इम्प्रूव रडार एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है फलक। फलक एक मोबाइल रडार एंड व्हीकल है जो कि जिसमें कि एक कंट्रोल रूम है और ये एक इम्प्रूव वर्जन है गामा का। गामा क्या है, ये एक सिस्टम है रशियन ओरिजिन का, जिसकी रेंज जो है फलक की वो है रेंज ऑफ 400 किलोमीटर या फिर 250 माइल्स। दैट कुड हेल्प डिफेंड अगेंस्ट क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन्स। और फलक जो है वो ईरान जो है उसको किससे बचाएगी, जो क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन्स के अटैक होते हैं उनसे ईरान को प्रोटेक्ट करेगी। तो दिस इज फलक। नेक्स्ट इज बेवर 373। देखिए जो बेवर 373 है ये ईरान का न्यू होम ग्रोन एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि ये एक रिपब्लिक फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि बेवर 373 जो है वो कौन सी कंट्री ने डेवलप की है और इसका टाइप कौन सा है। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये है बेवर 373 जो कि ईरान ने डेवलप की है। नेक्स्ट इज बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी। देखिए पाकिस्तान जो है उसने भी एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जिसका नाम है गजनवी। ये पाकिस्तान की सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और ये कैपेबल है मल्टीपल टाइप ऑफ वॉर हेड्स 290 किलोमीटर तक सेंड करने के। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि दिस इज गजनवी। तो इसी के साथ हमारा जून का साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर ख़त्म हुआ। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है, आप कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।